क्या है कि संबंध में क्या कर लिया। आज हम लोग नेशनल दिवाली और राष्ट्रीय दिवस और दिवाली या नेशनल दिवाली में मिलकर क्या कर लिया। अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर योगिता गौतम जो हमारे अनुसूचित जाति की डॉक्टर थी जिसने जिसका यूपी में चुनाव सॉरी चयन हो चुका था और बहुत अच्छे लेवल के डॉक्टर थी MBBS थी वो उड़ाई में प्रैक्टिस कर रही थी। डॉक्टर विवेक तिवारी जो उनके सीनियर डॉक्टर थे उनके साथ उनकी प्रैक्टिस चल रही थी तो वहाँ पर डॉक्टर विवेक तिवारी काफ़ी समय से उसके परिवार पर उस पर शादी का दबाव दे रहा था लेकिन जब लड़की ने मना कर दिया तो वो मजबूरन आगरा में आ गई उसके डर की वजह से। तो क्योंकि वो विवेक तिवारी ब्राह्मण समाज से था तो उसका वो ज़्यादा अपनी वो तानाशाही दिखा रहा था तो उसका परिवार वो कौन समाज से योगिता गौतम हमारे FC समाज से जाटों समाज से तो उसके बाद वो ये आगरा में आ गए परिवार को लेकर। तो कुछ दिनों बाद जो विवेक तिवारी था उसने अपने साथियों के साथ योगिता गौतम का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद 2-3 दिन बाद उसके बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है जिसमें कि उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया लेकिन हत्या करने में और उसको अपहरण करने में उसके जो साथी थे वे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। सिर्फ उसने जुर्म जो कबूल किया अपने ऊपर अकेले ही किया लेकिन हमारे नेशनल भीम आर्मी भारत बहुजन एकता मिशन और भीम आर्मी की यही डिमांड है कि जो मुजरिम है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और बाकी जो आरोपी फरार है वे उन्हें गिरफ्तार हो और इसमें जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा होना चाहिए प्लस SC ST आयोग SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम कुछ समय प्रशासन को हमने और सरकार को हमने कुछ समय दिया है अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे भारत में जन आंदोलन होगा। ये आंदोलन आगरा से स्टार्ट होगा क्योंकि आज नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के नेतृत्व में पूरे देश में जहाँ जहाँ संगठन फैला हुआ है लगभग 13 राज्यों में आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपने कितना समय दिया है हमने इसमें कम से कम 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते में अगर कार्रवाई उसमें बेदोषी नहीं पकड़े गए और उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला आपने ज्ञापन दिया आपको क्या आश्वासन मिला। आश्वासन तो अभी जिलाधिकारी साहब तो मिले नहीं KCGM साहब मिले थे उनसे बात हुई उन्हें हमने अपनी प्रॉब्लम्स बता दी क्या प्रॉब्लम थी लेकिन उन्हें अभी कोई आश्वासन नहीं दिया।